अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सरसों का साग पंजाबी स्टाइल में, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए हम साग को बनाना शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाना पंजाबी स्टाइल में, मैंने यहाँ पे कुकर में ले लिया है सरसों का साग। इस तरह से हम कट करके सरसों का साग ले लेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है बथुआ। बथुआ को भी हम इसमें डाल देंगे। साग के साथ में ही हमें डालना है यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे जीरा, टेस्ट के लिए 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा दें। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 3 सीटी बाद इसे हम फिर से चेक करेंगे इस तरह से। तो साग में मैंने 3 सीटी लगा दिया है, तो ठंडा होने के बाद मैं इसे अच्छे से चेक करूंगी। और ये देखिए, साग जो है वो अच्छे से गल के पक गया है। तो मैं इसमें डाल दूंगी 50 ग्राम के करीब मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। अगर आपके पास मक्के का आटा है तो वो जरूर ले, उससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगी मेथानी और इसे अच्छे से मथ दूंगी। जिस तरह से हम दाल को मथते हैं उसी तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स करके इस तरह से मथ देना है। और ये बहुत ही अच्छे से गल के पक गया है, तो मैं इसे निकाल लूंगी बाहर। तो चलिए हम तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने ले लिया है सरसों का तेल, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें तड़के लगा दें। और जैसे ही अच्छे से हल्का लाल कलर का हो जाएगा, इसमें हम 1 से 2 टमाटर कट करके डाल देंगे। टमाटर को भी हमें गलने तक अच्छे से पकाना है, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। ये तड़का साग के लिए बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, गैस को बंद कर देंगे, तड़के को डालेंगे साग में। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म साग बन के रेडी हो गया है पंजाबी स्टाइल, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं तड़के के साथ में, आप इसे मक्के या बजरे की रोटी के साथ में गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो टेस्टी के लिए आप इसमें बटर या घी डालें और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आप सब भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।